फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरूस ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरी ये पहली तीज थी और मैंने इसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया है। चलिए देखते हैं मैंने कैसे अपनी तीज जो है वो सेलिब्रेट की है। मैं भोले बाबा को जल देने जा रही हूँ। शाम के 6:30 बज रहे थे जब मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की थी और काफ़ी अंधेरा हो गया था। और ये मैं छत पे हूँ इसलिए इतना अंधेरा है कि जो दीपक जल रहा है उसकी रोशनी में ही जो दिख पाया है वो दिख पाया है, और कैमरे का जो फ्लैश लाइट था उसमें, अदरवाइज़ कुछ भी दिखा नहीं है यहाँ पे। ये मैंने अपनी पूजा की सारी तैयारी कर रखी थी। यहाँ पे मैं फूल धो के एक थाली में रख रही हूँ। पहले यहाँ पे मैं माता रानी को सिंदूर लगा रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत लंबे जो है वो पूजा की विधि को हमको लेना है, तो इसलिए वीडियो कुछ फास्ट ही चलेगा। मैंने यहाँ माता रानी को सिंदूर और भोले बाबा को सफ़ेद चंदन का टीका लगाया है। मैंने यहाँ पे धूप, अगरबत्ती और दिया तीनों जलाए हैं। यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ। आप सब प्लीज बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे तीज चली जाती है, क्योंकि ये मेरी पहली तीज थी और मैंने जितना सुना था या मैं जितना जानती थी मैंने उस हिसाब से अपनी पूजा की है। मैंने ऊपर एक बिंदी, सिंदूर और एक ब्लाउज पीस का कपड़ा और चूड़ी रखी है जो कि मैंने खुद के लिए रखी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुहाग हम दूसरों को दे रहे हैं, वो दान करता है, वो हम करेंगे, बट हमें अपने लिए भी कुछ रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे भी सुहाग के निशानी हैं। और पूजा में अगर हम अपने सुहाग की कुछ भी चीज़ें ऐसी रखती हैं जो कि हम बाद में पहन सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। ये सिंगार का सामान था जो कि मुझे दान देना है। यहाँ पे मैं किताब खोल के जरूर बैठी हूँ, बट कथा जो है वो मेरे पति देव जो हैं उन्होंने कही थी और मैंने सिर्फ सुना था, क्योंकि बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कथा समाप्त हो गई है और फिर मैं आरती कर रही हूँ। माता रानी का मैं मत्था टेक रही हूँ।